हेलो एवरीवन, मैं हूं फजल राशिद आलम, आपका प्यार दोस्त। तो आज के इस वीडियो पे एक्सेल पे कॉलम चार्ट अगर हमको सारा फोटो वाइज सेटिंग करना हो तो कैसे करेंगे, देख सकते हैं। एक छोटा सा डेटा मैंने बनाया हूं, जैसे MS धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया। एक एक अमाउंट यहाँ पर मैं लिमिट एक डाला हूँ। देखिए, इन लोग तो करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का कमाता है। तो हम एक एग्जाम्पल में दिया हूँ, यहाँ पर एक अमाउंट एक फिलअप कर दिया कि कैसे बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, जैसे ये मेरा कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट के अंदर में देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। तो मैं आज के इस वीडियो पे कॉलम चार्ट का ऊपर में कैसे फोटो सेटिंग होता है, ये आज मैं प्रॉपर वाइज में आपको बतलाऊंगा। अगर आप लोग कॉलम चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा, तो यहाँ पर ही कॉलम चार्ट के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा तो चार्ट आ चुका है, मगर फोटो नहीं है इसमें। जैसे हम चाहते हैं इसमें धोनी का फोटो हो जाए, विराट कोहली लिखा तो विराट कोहली का फोटो हो जाए, रोहित शर्मा लिखा तो रोहित शर्मा का यहाँ पर फोटो हो जाना चाहिए। तो आज यही प्रॉपर वाइज बतलाऊंगा मैं कि कॉलम के अंदर में फोटो कैसे लगता है। तो हम दूसरा शीट एक लिए हुए, हम दूसरा शीट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है ना, पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो तीनों क्रिकेटर का जो आपका फोटो है वो आपका एक्सेल फाइल में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों का फाइल यहीं पर ला के लाइन बाय लाइन यहाँ पर सेटिंग कर देता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इंसर्ट में जाइए तो पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, मेरा डेस्कटॉप में फोटो है तो हम डिस्क ड्राइव में जाके फोटो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों का फोटो आ गया, तो कंट्रोल का बटन दबा के तीनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर फोटो आ जाएगा। तो फोटो आने के बाद अब यहाँ पर इस सारा फोटो को छोटा छोटा करके हम लोग क्या करते हैं, कहीं साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हम लोग को छोटा सा भी रहेगा फोटो तो मेरे लिए काम चल जाएगा, हमको बहुत बड़ा फोटो नहीं चाहिए, बस हमको बस कॉपी करना है ये फोटो में से, और कुछ नहीं करना है। इसको भी कर देते हैं, तो ये मेरा फोटो हो चुका है, ये एक्सेल फाइल में आ गया। अब करना क्या है ना, ये चार्ट को सिलेक्ट करना है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब क्या करना है, ये डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम चार्ट से जाके हम लोग यहाँ से बना लेंगे, या फिर यहाँ भी जाके बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर एक चार्ट ले लेते हैं, तो चार्ट लेने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा ब्लैक कलर में कर देते हैं, देखने से अच्छा लगता है ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर जाएंगे और ब्लैक कलर ले लेंगे, जैसे पहले वाला था, जैसे देख सकते हैं पहले वाला यहाँ पर था, ब्लैक कलर आ गया। और यहाँ पर चार्ट टाइटल को हटा के यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिख देते इनकम, इनकम लिख दिया। अब करना क्या है ना, बस छोटा सा है यहाँ पर ट्रिक है, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ MS धोनी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, MS धोनी को कंट्रोल प्लस सी से फोटो को पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जब ये MS धोनी के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक दो तीन तीनों ही सिलेक्ट हो गया, क्योंकि जब आप पेस्ट करिएगा, कॉपी पेस्ट करिएगा चार्ट के अंदर में, तो आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर भी धोनी का फोटो आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, तीनों ही में ही आ जाएगा आपका फोटो। तो हमको खाली क्या चाहिए, धोनी का नाम पे खाली हमको चाहते हैं कि भाई धोनी का ही खाली फोटो लगा हुआ है। तो यहाँ पर ही क्या करना है ना, हमेशा याद रखिएगा, जब आप इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लीजिएगा तो धोनी का ये जो आपका जो कॉलम चार्ट है इसमें डबल क्लिक करिएगा, सिंगल क्लिक नहीं करिएगा, डबल क्लिक करना है। तो जब सिंगल क्लिक करिएगा तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, तो डबल क्लिक करने से सब हट जाएगा, बाकी एक में ही रहेगा, बस कंट्रोल प्लस भी कर दीजिए, लीजिए पेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। जैसे विराट कोहली को भी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर पेस्ट हो गया। और रोहित शर्मा को भी क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेंगे और इसी में डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा तीनों का फोटो आ गया, अच्छे है। अब यहाँ पर तीनों जब मेरा फोटो आ गया है तो अब ये फोटो का दरकार नहीं है, अब ये फोटो को आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मैं देख सकते हैं कॉलम चार्ट मेरा आ गया प्रॉपर वाइज। अब इसमें क्या करना है ना, जैसे यहाँ पर पहले शीट में आके दिखला देता है, देखिए यहाँ पर देखिए अमाउंट वाइज शो कर रहा है, हम भी चाहते हैं कि भाई ये मेरा अमाउंट वाइज शो होना चाहिए। तो क्या करिएगा, चार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करिएगा ना तो ये चार्ट एलिमेंट खुल जाएगा, मतलब प्लस का साइन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आके डेटा लेवल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो सारा का सारा मेरा अमाउंट शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये अब जो आपको अच्छा लगता है, जैसे इसको कलर करना चाहते हैं इसको भी कलर कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अब यहाँ पर जैसे ही अब हम अमाउंट चेंज करेंगे तो देख सकते हैं सारा प्रॉपर वाइज मेरा चार्ट भी चेंज होगा यहाँ पर,
दे सकते हैं। यहाँ पर ही धोनी का भी चेंज कर देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा क्या हो रहा है, ए टू जेड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करने से सारा चार्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर कॉलम वाइज को फोटो यहाँ पर सेटिंग करने के लिए बस हमको कॉपी और पेस्ट का दरकार पड़ता है, जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, फोटो पसंद वीडियो पसंद आने पे शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।